पार्ट वन का सी टू का फोर्थ वाला सब पार्ट। सर मैं फोटो भेज देता हूँ आपको। सर एक यूनिट टेस्ट का भी क्वेश्चन था, वो भी आप बता सकते हो। फोर्थ सब पार्ट इसका देखो बच्चों, फोर्थ सब पार्ट में क्या हमसे बोला गया है। नाइनटी न्यूटन का फोर्स लगाया है हमने, है ना। देखो हम क्या कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों जगहों पर कितना कितना होगा। तो ए और बी के बीच में तो मैक्सिमम 25 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है ना। यस सर। और ब्री और ग्राउंड के बीच में 75 न्यूटन लग सकता है ना। क्यों बेटे? यस सर। अब आपने 90 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये 75 से तो ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, पूरा सिस्टम चलेगा तो सही है ना। अब अगर ये सिस्टम चलेगा तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन बच्चों? कॉमन एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा, पूरे को सिस्टम मान के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 90 आगे और ग्राउंड का फ्रिक्शन 75 पीछे डिवाइडेड बाय 5 + 10 = 15, तो यानी 1 m/s² राइट। या जैसे आप अलग अलग मान के करते हैं तो क्या करते हैं, ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाते आगे और बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाते हम पीछे, और इधर लगता 90 न्यूटन और इधर लगता कितना 75 न्यूटन। तो बी पर इक्वेशन क्या बनती, 90 - 75 - फ्रिक्शन = 10A, और ए पर क्या इक्वेशन बनती, F = 5A। तो आप ऐड कर दोगे तो 90 - 75 15 = 15A, यानी ए की क्या वैल्यू आती है, सर हम यहाँ पर फ्रिक्शन जो ए और बी के बीच में लग रहा है उसे हम एफ मैक्स नहीं लेंगे, मैक्सिमम नहीं कंसीडर करेंगे क्या बेटे उसको हम? सर हम उसे मैक्सिमम कंसीडर नहीं करेंगे क्या एफ को? हाँ मैक्सिमम कंसीडर नहीं करेंगे ना बेटे। मैक्सिमम देखो मतलब फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर कब लगता है, दो केस में लग सकता है, या तो मतलब स्लिपिंग इज अबाउट टू स्टार्ट है ना, लिमिटिंग केस ऑफ नो स्लाइडिंग हो, या दूसरा क्या है
ऑलरेडी देयर इज अ स्लिपिंग. क्यों बेटे? यस सर. इन दो केस में ही क्या होगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन लगेगा. म्यू एन लगेगा है ना. अब इस पर्टिकुलर केस में देखो, दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन करने के लिए आपको कितने फ्रिक्शन की जरूरत है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू ए का मास. ए का मास कितना है? 10 इंटू उसका एक्सेलरेशन 1. तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है. यस सर, समझा. हेलो हेलो. हाँ सर. हाँ बेटे बोलो. तो ये एक्सेलरेशन, अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर है वो तो कितनी है बेटे? म्यू एन. म्यू इज 0.5 और इसका मास तो है 10 इंटू जी, तो ये 50 न्यूटन आ जाएगा ना. तो 10 इज फार लेस देन 50. 50 तक लगने की जरूरत ही नहीं है उस फ्रिक्शन को, है ना. यस सर. यहाँ हमने क्यों मैक्सिमम मान लिया इस वाले फ्रिक्शन को? क्योंकि ये फोर्स आपने 90 न्यूटन लगा दिया था, तो इधर से तो स्लिपिंग होगा ही होगा, है ना. सर समझा. और बोलो बेटे. सर एक C2 भी है, पार्ट टू का. एक और भेजा है तुमने. हाँ देखो क्या है, उस क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक्स M2 और M1 दिए हुए हैं. M1 8 किलोग्राम का है और M2 जो है वो 2 किलोग्राम का है ना. हाँ सर. मतलब ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, वो रखा हुआ है एक 8 किलोग्राम के ब्लॉक. और क्या क्या मासेस हैं? इसका मास है M1, इसका मास है M2. हमने फोर्स इस तरह से लगाया हुआ, ठीक है. और ये पूरा G/4 के रेट से ऊपर जा रहा है, ठीक है बेटे. तो क्या हो जाएगा, इधर से लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है उसको हम N1 मान लेते हैं, इधर वाले नॉर्मल फोर्स को N2 आप बोल दो. तो देखो M2 ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप, M2 का है ना, 2 किलोग्राम वाले का. उस पे एक N1 ऊपर, 2G नीचे, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं. हाँ सर. यस सर. N1 लग रहा है ऊपर, 2G लग रहा है नीचे. तो क्या आ जाएगा, N1 - 2G इज इक्वल टू 2G/4. तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 2G + 2G/4. 2G/4 को G/2 लिख दें तो N1 की वैल्यू 5G/2 ऐसी आ जाएगी ना. मतलब yes, कितना yes. आ जाएगा N1? 25 meter. और N2 पता लगाने के लिए हम क्या करें, आप चाहो तो 8 किलोग्राम को अलग सिस्टम मान लो या 2 और 8 दोनों को एक सिस्टम मान लो. तो 2 और 8 दोनों को सिस्टम मानोगे तो क्या होगा, टोटल मास सिस्टम का 10 किलो हो जाएगा. तो 10G नीचे लगेगा. नीचे लगेगा कितना? 10G.
ऊपर लगेगा कितना n2, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे n2 minus 10g is equal to 10a. What is acceleration? Acceleration is g by 4. तो n2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100 प्लस कितना 100 by 4 25 यानि 125 न्यूटन. ये n2 इतना आ जाएगा बच्चों. अब देखो ये अच्छा n2 निकालने की जरूरत भी नहीं थी यार अपने को, क्योंकि ये वाली चीज तो स्मूथ ही दी हुई है. लिफ्ट का फ्लोर तो स्मूथ दिया हुआ है. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/5 दिया हुआ है. तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/5 × 25, मतलब 5 न्यूटन आ जाएगी, है ना. अब देखो क्या है, आपने फोर्स एफ लगाया, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है बेटे, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 8 किलोग्राम वाले की टेंडेंसी आगे जाने की होगी, है ना. तो ये 2 किलोग्राम वाले पर आगे फ्रिक्शन लगा करके उसको भी ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करवाएगा, और 8 किलोग्राम वाले को भी ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करवाना जाएगा, है ना. उस पर 30 न्यूटन आगे लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो क्या हो जाएगा बेटे, एक इक्वेशन बना दो, 30 - F = 8A एंड F = 2A, तो ऐड कर देंगे तो 30 = 10A यानी A की वैल्यू आएगी 3 m/s². और इतने एक्सेलरेशन के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है बेटे, F = इसका मास 2 × 3, मतलब 6 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है. अब ये फ्रिक्शन तो 5 न्यूटन ही है, इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है अपने पास. तो हमारा ये जो अजम्पशन था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, वो अजम्पशन अब गलत हो चुका है. तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा. अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा इसका मतलब क्या है बेटे, वो दोनों एक साथ नहीं मूव करेंगे. वो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन मूव करेंगे, और अब जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो अब इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है इनके बीच में, तो अब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे ही लगेगा अपनी. मतलब कितना था मैक्सिमम, 5, तो इस पर 5 आगे लगेगा और इस पे 5 पीछे लगेगा, और इधर से जो 30 न्यूटन लग रहा है वो तो लगता ही रहेगा. तो ये जो है हमारा ऊपर वाला ब्लॉक जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम टू, तो एम टू का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटे, 5/2 यानि 2.5 m/s², और एक्सेलरेशन ऑफ एम वन कितना आ जाएगा, 30 - अरे बाप रे, ये बहुत शोर आ रहा है आसपास कुछ, एक्चुअली सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन नियर माय बिल्डिंग, सो दैट इज व्हाई दिस नॉइज. 30 - 5/8, तो ये आ जाएगा 25/8 m/s², ऐसा ये एक्सेलरेशन आ जाएगा. समझ में आएगा, है ना. देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में अभी तक क्या होता था अपने साथ, कि हम मान के चलते थे एक्सेलरेशन दोनों का सेम है ना, और फ्रिक्शन जो
जनरली फ्रिक्शन हमारा सफिशियंट आ ही जाता था, है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा ही आ जाती थी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कम पड़ गया है, तो कोई बात नहीं, कम पड़ गया है तो देखो हमें क्या है, दो बातें हो जाएंगी, एक तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, दूसरा उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा अब वो म्यू एन ही लगेगा, यानी काइनेटिक ही लगेगा बच्चे, है ना। हाँ सर। और बोलिए। अब आगे पढ़े भाई हम। सर एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मैंने आपको भेजा भेजा है क्या? देखो क्या है, ये इस तरह का हमारे सामने एक सिचुएशन है, एक वर्टिकल वॉल है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और क्या हो रहा है कि वॉल के कांटेक्ट में तो एक ब्लॉक है बी, और उस बी के कांटेक्ट में एक ब्लॉक है ए, ठीक है, और क्या है, फोर्स लग रहा है एफ। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द ब्लॉक्स इज 0.4, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, ब्लॉक ए इज पुश्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एफ, द वैल्यू ऑफ एफ कैन बी चेंज्ड when the welding between block A and ground breaks, block A will start pressing block B, and when welding of B breaks, B will start pressing the vertical wall. What should be minimum value of so that B can press the wall? देखो बेटे क्या है, A का मास जैसे 10 किलोग्राम और B का मास 5 किलोग्राम हमें दिया हुआ है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि A पे लग सकता है वो म्यू इंटू 10 जी के बराबर आएगा, यहाँ पे क्या वो 40 न्यूटन आएगा क्या? यस सर। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बी पे लग सकता है वो 0.4 इनटू 5g, मतलब कितना, 50 इनटू 0.4, ऐसा आएगा, तो वो 20 न्यूटन के बराबर आएगा। अब देखो क्या होगा बेटे, मान लो आपने सपोज जो ये कैपिटल एफ है वो लेट्स से 39 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया, 39 न्यूटन आपने कैपिटल एफ लगा दिया। अब जब आपने 39 न्यूटन कैपिटल एफ लगाया तो देखो ए ब्लॉक बी को जाकर के प्रेस करे, फॉर दैट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा तो ए का डिस्प्लेसमेंट आगे होना चाहिए ना बेटे? यस सर। नहीं, बट व्हाट विल फ्रिक्शन, व्हाट फ्रिक्शन डज इज फ्रिक्शन तो इस सरफेस को बिल्कुल स्लाइड होने ही नहीं देगा। यस क्यों बेटे? और फ्रिक्शन मैक्सिमम 40 न्यूटन ए पे लग सकता है, आपने 39 न्यूटन लगा दिया तो क्या होगा, ए विल नॉट बी एबल टू प्रेस बी, फ्रिक्शन ए को पूरी तरह से वहीं पे लॉक कर देगा, जिसको बोलते हैं कि वेल्डिंग जैसा हो गया है, है ना? Yes, sir. तो फॉर ए टू बी एबल टू प्रेस बी जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा
वो तो 40 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये बात मानते हो? यस सर। अब मान लो लेट्स से आपने फोर्स जो है वो कुछ 50 न्यूटन लगा दिया, तो क्या होगा? आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, फ्रिक्शन 40 रोक लेगा और बाकी ए पर बी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो ए भी बी पर 10 न्यूटन का लगाएगा। अब बी पर अगर नॉर्मल फोर्स बाई ए ये 10 न्यूटन के बराबर लगता है, तो क्या होगा? बी और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन है? 20 न्यूटन का। बी और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन है बेटे? 20 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लगाया है, तो 10 लग के तो इसको रोक ही लेगा आराम से। और अगर ये 10 लग करके इसको रोक देगा तो बी विल नॉट बी एबल टू प्रेस दिस वॉल। क्या बी दीवार को प्रेस कर पाएगा? क्या बी नहीं प्रेस कर पाएगा? नहीं सर। तो फॉर बी टू बी एबल टू प्रेस द वॉल, क्या होना चाहिए? जो नॉर्मल बी पे लगा रहा है ए, वो 20 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 20, है ना? यस सर। वो 20 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए। अब वो 20 न्यूटन से बड़ा होगा तो अब वो 20 न्यूटन से बड़ा कब होगा? जब आप फोर्स 60 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे। दिस इंप्लाइज कैपिटल एफ मस्ट बी ग्रेटर देन 60 न्यूटन। यस सर। ये बात समझ में आती है? ये फोर्स अपन जब लगाएंगे 60, उसमें से 40 तो बैलेंस कर लेगा ये वाला फ्रिक्शन, और बचा हुआ फिर 20 बी से बैलेंस होगा, तो ये भी बी पर 20 लगाएगा। ये जब बी पर 20 लगाएगा तो ये लिमिटिंग केस में पहुंचेगा, तो वॉल भी इस पर 20 न्यूटन पीछे फोर्स लगाएगा। ब्लूटूथ ट्राई करता हूं, शायद इससे थोड़ी सी कम आया। हाँ भाई, अब थोड़ा वॉइस क्लैरिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ के? यस सर। ओके, और बोलिए भाई, बाकी हो गए? यस सर। है ना, देखो इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ टेंशन फोर्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं फ्रिक्शन में। जैसे मान लो क्या है, हमें कहा जाए कि ये दो ब्लॉक्स हैं और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये ऐसे ही अभी जमीन पे रखे हुए हैं। मान लो इसका मास है कुछ 4 किलोग्राम और इधर वाले ब्लॉक का मास है कुछ 2 किलोग्राम, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 दोनों, म्यू एस और म्यू के दोनों इतने ही हैं, और यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो ये वाले को हम 0.4 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने अभी इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाया है ना, तो बताओ ये ए और बी ब्लॉक्स पे कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या? नो सर। है ना, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। अभी स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी? जीरो। जीरो होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो ए पर मैं फोर्स लगाता हूं, तो लेट्स से मैंने फोर्स लगा दिया ए पर कुछ 10 न्यूटन का फोर्स,
तो मुझे क्या पता करना है, फाइंड फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन बी एंड टेंशन इन द स्प्रिंग. तो कैसे पता करेंगे बच्चों इसको? देखो, ए पर लगने वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पहले वो पता करके रख लेते हैं. 0.4 × 40 मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मतलब 16 न्यूटन. बी पे लगने वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बी पे 10 मैक्सिमम, मतलब 10 न्यूटन बी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है. अब आपने ए पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, ए पर फ्रिक्शन 16 लग सकता है, है ना. तो सिंस मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन ए इज 16 न्यूटन, व्हाट विल हैपन इज फ्रिक्शन ऑन ए बाय ग्राउंड सरफेस विल प्रिवेंट ब्लॉक ए फ्रॉम एनी स्लिपिंग, ठीक है. तो फ्रिक्शन ऑन ए एक्चुअल में कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन के बराबर ही लग जाएगा. ये बात समझ में आती है? फ्रिक्शन ऑन ए कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन. सर FB 0 होगा क्या बेटा? FB 0 होगा, टेंशन विल रिमेन 0 एंड फ्रिक्शन ऑन बी आल्सो विल रिमेन 0. टेंशन भी 0 रहेगा, फ्रिक्शन ऑन बी भी 0. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर. Tension will remain zero. Friction on B will also remain zero. सर टेंशन जीरो इसलिए ना क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. हाँ, मतलब देखो, A A की आगे जाने की कोई टेंडेंसी नहीं बची है ना. Yes sir. फ्रिक्शन नहीं, A को पूरा का पूरा रोक के रख लिया, तो रस्सी को टॉट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी. देयर इज नो रीजन व्हाई स्ट्रिंग शुड गेट टॉट नाउ. अच्छा, कितनी वैल्यू तक रस्सी टॉट नहीं हो पाएगी फोर्स की? कितनी वैल्यू तक? 16 न्यूटन. 16 न्यूटन तक रस्सी जो है वो टॉट नहीं हो पाएगी. सर तो 16 न्यूटन पे भी टॉर्क नहीं है. हाँ बेटे, 16 न्यूटन पे भी टॉर्क नहीं हो पाएगी. 16 न्यूटन पे भी टॉर्क नहीं हो पाएगी. 16 से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तब जाकर के टॉर्क होगी. जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि सॉल्व द अबव प्रॉब्लम इफ फोर्स अप्लाइड इज 20 न्यूटन,
20 न्यूटन अगर फोर्स लगा दिया तो क्या आंसर होगा ऐसा, है ना? मैं क्वेश्चन चाहो तो फिर से कॉपी कर देता हूँ। हाँ बच्चा, क्या आएगा बेटे आंसर इसका? देखो क्या है, आपने फोर्स 20 न्यूटन लगाया, ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 न्यूटन लगता है, तो 16 न्यूटन लग करके इसको रोकने की कोशिश करेगा तब भी ये रुक नहीं पाएगा, स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन, फिर टेंशन जनरेट होगी और टेंशन 4 न्यूटन लग करके इसको रोकेगा। अब अगर इस पर टेंशन 4 न्यूटन लग गई तो बी पर भी टेंशन 4 न्यूटन आगे आ जाएगी, तो बी पर टेंशन 4 न्यूटन आगे आ जाएगी तो क्या होगा, बी पर 4 न्यूटन टेंशन आगे आ गई तो बी पर फ्रिक्शन लगेगा, और बी पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है बेटे, 10 न्यूटन। हमें कितने जरूरत है रोकने के लिए, 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन बी पर फ्रिक्शन लगेगा और बी भी रुका रह जाएगा। तो फ्रिक्शन ऑन ए बराबर हो जाएगा 16 न्यूटन के, फ्रिक्शन ऑन बी बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन के, और टेंशन की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 4। सर इस केस में हम लोग ब्लॉक ए को रेस्ट पे ही अज्यूम कर रहे हैं ना? हाँ ओके सर, ये बात बिल्कुल सही है, रेस्ट पे ही अज्यूम कर रहे हैं,
उसका रीजन क्या है, देखो ए और बी दोनों एक साथ ही चलेंगे, अलग अलग तो नहीं चल सकते हैं सर। तो क्या ऐसा हो सकता, समझ सकते क्या कि ए जिस एक्सेलरेशन से मूव होगा उसी से बी भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, तो जिस एक्सेलरेशन से ए मूव करे, क्योंकि सर उसमें सर फिर तो उसमें ब्लॉक ए आगे जाएगा ना, रेस्ट पर नहीं रहेगा। हाँ भाई देखो, लेकिन आप ऐसे समझो, हम ए और बी को एक सिस्टम मान लेते हैं, लेट अस टेक ए एंड बी एज वन सिस्टम। तो अब आप ये देखिए कि ए पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 16 न्यूटन। बी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। तो पूरे सिस्टम पे मिलाकर के मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 26 न्यूटन। और आपने आगे कितना फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन। ओके सर समझा। तो क्या फ्रिक्शन स्लाइड करने देगा इसको? नहीं सर, फ्रिक्शन स्लाइड करने नहीं देगा। अब स्लाइड करने नहीं देगा तो ये बात तो तय हो गई कि भाई रुके ही रहेंगे और दोनों ही रुके रहेंगे, है ना? यस सर, है ना। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ए स्लाइड कर जाए बी रुका रहे, या बी स्लाइड कर जाए ए रुका रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो दोनों रुके रहेंगे या दोनों स्लाइड करेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि एज ए सिस्टम इस पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब दोनों तो स्लाइड नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन रहेगा कि दोनों रुके ही रहेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके अब देखो, जैसे मान लो एक और नया सवाल ले लेते हैं हम। ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी और ग्राउंड के बीच में मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, ए और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, ठीक है। ए का मास है कुछ 10 किलो या 5 किलोग्राम, बी का मास है कुछ 10 किलोग्राम, और मैंने क्या किया, कुछ लेट्स से 30 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया। अब हमें पता करना है फाइंड फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन बी एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है बेटे, सर वो जो 0.1 और 0.2 है वो ब्लॉक ए और बी के सरफेस का कोएफिशिएंट है। हाँ बेटे क्या बोल रहे हो? सर वो आपने 0.1 और 0.2 जो लिखा है ना, वो ब्लॉक ए और बी के सरफेस का कोएफिशिएंट है क्या? हाँ, 0.1 ए और ग्राउंड के बीच का और 0.2 बी और ग्राउंड के, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके सर, ओके।
टेंशन 70/3 है क्या? टेंशन कितना आया बेटे? 70/3 70/3 देखो अब क्या है, फिर से सवाल करने का जो सही तरीका है वो आप क्या करो, पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन पता करके देख लो, ए पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, दैट इज 0.1 × 50, तो 5 न्यूटन। बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 0.2 × 100, मतलब 20 न्यूटन, है ना? दोनों पे मिलाकर के 25 न्यूटन ही लग सकता है, मतलब अब ये सिस्टम रुक तो नहीं पाएगा, अब तो ये एक्सेलरेट ही करेगा। तो मान लेते हैं कॉमन एक्सेलरेशन ए है दोनों का, तो 30 लग रहा है आगे, 20 लग रहा है पीछे, और 5 फिर से लग रहा है पीछे, तो आ जाएगा 30 − 20 − 5 इज इक्वल टू 15 a। हाँ सर, 1/3 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटे, 1/3 m/s² एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बी ब्लॉक पे क्या इक्वेशन बना देंगे, t − 20 = 10 a, t − 20 = 10 a, दैट इज 1/3, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 + 10/3, मतलब कितना, 70/3 न्यूटन। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर, यस सर। देखो बच्चे, मान लो क्या है, अपने पास एक डिस्क है, ठीक है, a disk placed on a horizontal surface, has a groove in it, ये इस तरह का उसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है। बेटा
अब बेटे क्या है कि ये जो ग्रूव जिधर है ना, उसके साथ कुछ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन के अलोंग हम डिस्क को एक्सेलरेट करवाते, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस डिस्क को हम मूव करवाते हैं। और इस ग्रूव के अंदर क्या है, हमने रखा हुआ है एक ब्लॉक, एक ब्लॉक इसके अंदर हमने रख दिया, तो ब्लॉक जस्ट फिट्स इन द ग्रूव। ऐसा इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। पच्चीस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है हमें, और यहां पर क्या है, इस ग्रूव के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ ऐसा। ठीक है, और ये उस ग्रूव से जस्ट थोड़ा सा ही छोटा है। अब हमें पता लगाना है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्रूव एंड द ब्लॉक इज 1/5, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रूव, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक with respect to the disk, acceleration of the block with respect to the disk, ये हमें पता लगाना है। बच्चों कैसे पता करेंगे भाई, हाँ बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? यस। देखो हम क्या करें, लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, डिस्क के रिस्पेक्ट में हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ये 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो हमें एक सूडो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, एम ए दैट इज 25 एम का सूडो फोर्स हमें, एक फोर्स लगेगा एम जी, एम जी किधर लगेगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मतलब इस प्लेन में वो हमें कैसा नजर आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ, गोइंग इनटू द प्लेन है ना, वो लगेगा mg, और एक लगेगा नॉर्मल, तो वो नॉर्मल किधर लगेगा, प्लेन के बाहर आते हुए है ना। अब देखो बेटे ये जो 25m है, दिस ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री है, तो इस 25m का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना,
25m cos 37 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 25m sin 37 डिग्री। क्यों बेटे? यस कॉस 37 को 4 बाय सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर हाँ बेटे, दो जगह से फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? सर आपकी आवाज चली गई थी। ओके ओके, अभी आ रही है? यस सर। यस देखो, दो जगह से फ्रिक्शन लगेगा, एक तो स्क्रीन बंद, एक मिनट देखो, दो जगह से फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। एक तो क्या होगा, बेस ऑफ द ग्रूव लगाएगा, है ना, जो बेस है जिस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, और एक ये साइड वॉल लगाएगी। क्यों बेटे? यस सर। और जो बेस फ्रिक्शन लगाएगा उसको अपन लिखेंगे म्यू इनटू बेस का नॉर्मल, बेस का नॉर्मल एम जी के बराबर होगा। यस सर। और साइड वॉल जो फ्रिक्शन लगाएगी वो इस वाले नॉर्मल के बराबर होगा, और ये वाला नॉर्मल 12m के बराबर होगा। यस सर। तो उसको लिखेंगे म्यू इनटू 12m, और इधर आगे जो फोर्स लग रहा है वो आपका 16m लगी रहा है, ये वाला 16, है ना। अब ये म्यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/5 इनटू 10m, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m के बराबर। और यहाँ पर 5m sin 37, sin 37 तो 3/5 होता है, तो 15 होगा। ये 15 होगा, ये सही बात है, ये 15 है। सो नीचे भी 25, यहाँ पे भी 20m, ठीक है। और ये कितना होगा बेटे, 25m into 4 by 5 करेंगे, 20m होगा सर। ये 20, तो ये 20m है। तो 1/5 into 15m ये कितना हो जाएगा, क्या ये 3m हो जाएगा क्या बेटे? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन हो जाएगा 20m माइनस 2m माइनस 3m अपॉन m, यानी कि 20m माइनस 5m अपॉन m। तो ये एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर।
और ये जो हमारे पास आया है बच्चों, ये रिलेटिव डिक्लेरेशन ही आया है ना, इज दिस द रिलेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सर रिलेटिव रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों, रिलेटिव क्यों है ये? तो फिर वो रिलेटिव एक्सेलरेशन ही होता।